पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में वन महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे मुरादाबाद के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद अधिकारियों पर बरस गए। लगभग 3 घंटे के मुरादाबाद दौरे के दौरान अधिकारी अपनी गलतियों पर मंत्री महोदय की फटकार ही सुनते रहे। मुरादाबाद शहर में चल रहे विकास कार्यों पर सर्वप्रथम जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों के निवारण पर बात की तो अधिकारी सख्त पका गए। तो वहीं पिछली सरकार से निर्माणाधीन ओवर ब्रिज में लापरवाही पर मंत्री भड़क गए और सख्त लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। मौके पर पहुंचकर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया तो अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान पौधारोपण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री को रास्ते में सड़क किनारे शहर का कचरा पड़ा मिला, जिस पर अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा गया कि लापरवाही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने वापस आते वक्त काफिला रुकवा कर गंदगी का खुद ही फोटो खींच लिया, जिसे देखकर अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए। स्मार्ट साउंड। अब रेलवे से कोई अब पहले जब मैं मीटिंग लेता हूँ उसका मुझे एक एक बिंदु रिकॉर्ड पे चाहिए, और रिकॉर्ड होने के बाद उसका क्या प्रगति हुई उसका मुझे तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो सोच रहा हूँ मैं नहीं संभावित घोषणा जो समस्या है मैंने बताया मंत्री जी, सवाल ये मेरा, हर साल पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा मंत्री जी? नहीं है, आप अब देखिएगा, और परिवर्तन जहां नहीं नजर आ रहा उसको उजागर कीजिए। सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी अगर वृक्षारोपण अभियान में किसी तरीके की शिथिलता या लापरवाही होगी तो बर्दाश्त नहीं कीजिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।